सो अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे बेकार सी डायमेंशन कौन सी है, तो तुम लोग सबसे ज्यादा लोगों का यही जवाब होगा नेदर। बट आज अपने हार्डकोर वर्ल्ड के एक छोटे से पार्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इनटू एंटायर सिटी। एंड इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चाहिए था एक अच्छा सा खाली एरिया, तो मेरे नेदर पोर्टल के स्पॉन के एकदम सामने एक बहुत बड़ा लावा पूल था, सो वहां पर मैं इस सर्कल को बना सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल बनाना है एंड फिर मेरे को उस सर्कल को ड्रेन करना है एंड उसके अंदर हमारी बनेगी सिटी। एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा सर्कल है 50 रेडियस का। अच्छा। मेरे को पूरा का पूरा यहाँ पे पहले सर्कल की बाउंड्री बनानी है, गाइस के अंदर मेरे को सैंड फिल करने पड़ेगा इसको ड्रेन करने के लिए। ये बन चुकी है हमारी सर्कल की बाउंड्री एंड अभी बारी आती है इसको ड्रेन करने की। बोलो जुबान केस। सो या अभी बिना किसी देरी के जल्दी इसको ट्रेन करते हैं, देन हम लोग सीढ़ी का काम स्टार्ट कर देंगे। एंड मैं जितना मुश्किल सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड इसको ट्रेन करने में लगभग मेरे को 1 से 2 वीक लग गए थे एंड मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स के अंदर ट्राई करा है। एंड या मैं तुम लोग थोड़ी सी टाइम लैप्स दिखाऊंगा उसमें पूरा का पूरा मैं ट्रेन करता जल्दी से एंड ताकि हम लोग आया काम जल्दी जल्दी कर पाए। फाइनली आफ्टर 1 वीक ऑफ वर्क एंड इट्स कम्प्लीटेड। लुक एट दिस यार, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गन फैली है, मतलब मैंने इसको माइन करते करते बहुत ज़्यादा गन फैला दिया एंड अभी साफ भी मेरे को इसको ही करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट एंड हियर वी गो। नाउ अभी एकदम एक क्लीन लग रहा है, हम लोग हमारा सिटी बनाने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। बट यार उससे पहले ना इसका थोड़ा बहुत खाली खाली लग रहा है, डायरेक्टली मैं सिटी बना लूँगा तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी जो बाउंड्री है ना उसमें बनाऊँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम एंड फ्लोर जो कि अच्छी लगने वाली है। मैं सारी बायोम नहीं बना लगा, 3-4 बायोम कोई दोबारा से बना बना के उनको बनाने वाला हूँ, सो देखते हो कैसा लगता है। ओके, सो बेसिकली मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरे को इसके ऊपर वाला एरिया भी थोड़ा माइन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे आएगा। अगर मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ तो ये मेरे बीच में आने वाला है। सो मैं बहुत ज्यादा TNT बनाकर लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पर TNT लगाता है एंड इसको हटाते हैं सारे ब्लॉक एंड एरिया को जो क्लियर कर देता है। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर के मैथ के बाद देख सकते हो यार कुछ इतना कंप्लीट हुआ है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा काम है अभी तक। इसको मेरे को बहुत ज़्यादा प्लेन करना है बट मैं सोचा हूँ जैसे जैसे मैं बिल्डिंग बना रहूँगा एंड जिस बिल्डिंग के मेरे ये बीच में आएगा उस जगह से मैं इसको हटा दूँगा, क्योंकि अगर एक ही चीज़ में हटा जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। सो यार अभी हम लोग काम कंटिन्यू करते हैं। तो वो मेरे को चाहिए ब्लैक कॉन्क्रीट बहुत सारे, वो किसके लिए वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। बेसिकली भी जो नेदर है ना इन सभी को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ विद ब्लैक कॉन्क्रीट एंड जितना भी नीचे दिख रहा है सभी को मेरे को कन्वर्ट करना है इसके अंदर। एंड अभी ये पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है बट अभी जो मेरे को उसका अंदर का भी रिप्लेस करना है, लाइक तुमने जिसको अंदर सैंड वगैरह लग रही है मैं सीढ़ी बनाऊंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भी मैं पूरा ब्लैक कंक्रीट से कन्वर्ट रिप्लेस करने वाला हूँ जो कि देखते हैं मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए एंड फिलहाल लगा के देखते हैं एंड फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने इसके बाद एक और बाउंड्री बना दी है जहाँ पर मैं सारी की सारी बायोम बनाने वाला हूँ एंड बायोम के लिए जो भी मटेरियल चाहिए सारा लेकर आ चुका हूँ। ज्यादा डिफरेंट हार्ड बायोम बनाने वाला हूँ, थोड़ी नेदर की बनाऊंगा एंड 2 दिन ओवर वर्ल्ड की बनाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। नहीं नहीं भाई जल मत प्लीज।
या इसी के साथ मैंने सारी की सारी बायो मैं आ लिया, मतलब जो मेरे को बनाई थी वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी देखो यार कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, ये पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, एंड अभी एकदम पूरा अच्छे से भरा हुआ लग रहा है। सो बेसिकली अभी हम लोग सिटी पर जो काम स्टार्ट कर सकते हैं, देन जो हमारी सिटी की बिल्डिंग्स होने वाली है ना उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट चाहिए। सो कॉन्क्रीट है तुम लोगों को पता ही, हम लोग हमारे ऊपर पर जाते हैं एंड वहाँ पर इफ कह देते जल्दी से बिल्डिंग का सामान जो मैं एक साथ कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बिल्डिंग में बना के दिखने वाला हूँ कैसी बनने वाली है। सो जो हमारी मिड में बिल्डिंग बनेगी ना वो बिल्डिंग बनाने वाला हूँ जो कि सबसे बड़ी होगी आई थिंक सो। सो उसके लिए मैंने आइटम कलेक्ट कर लिया ऑलमोस्ट जो हो गया मेरे पास, एंड अभी चलते डायरेक्ट उस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सिटी की पहली बिल्डिंग, आई नो इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही है, मेरा प्लान और भी ज़्यादा बड़ी बनाया गया था, बट यू नो यार इसमें एक बिल्डिंग हाइट लिमिट हो जाती है क्योंकि ऊपर बैठ हो जाती है, सो मैं और भी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता, दैट्स व्हाई मैंने इसको बनाया सेंटर में। बाकी अभी यही नहीं है, मैं बहुत सारे बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, लगभग 10 से ऊपर बिल्डिंग होगी यहाँ पर, सो मैं बहुत सारी बिल्डिंग बनानी है। एंड अभी जो है फाइनली हम लोग जितनी भी बिल्डिंग हम लोग बनानी है उन सभी का आइटम कलेक्ट करने वाले हैं। ये खाली मैं बना के देखने वाला था, टेस्ट करने देखने वाला था कि इतनी हाइट लिमिट में सब कुछ हो रहा है नहीं, जो बाकी की बिल्डिंग है वो लगभग इसकी हाइट की लिमिट की है, सो इस आसानी से बन जाएगी। सो अभी चलते हैं एंड बाकी का काम करते हैं एंड सामान जो भी हम लोगों को चाहिए उसको कलेक्ट करके लाते हैं। बाद पूरी पूरी सिटी बनाने के जो भी चीज़ें हम लोगों को रिक्वायर थी वो मैंने कलेक्ट कर लिया, एंड लेटर इसको बनाने में इसको कलेक्ट करने में 2-3 दिन लग गए मेरे को, तुम लोगों को मैंने बहुत सारी छोटी टाइम लैप्स दिखा दिया बट मेरे को 2-3 दिन लग गए। एंड अभी मैं तुम लोगों ने एक ही टाइम लैप्स में पूरी बिल्डिंग सिटी बनाते हुए दिखाऊंगा, वो तुम लोगों को एकदम मजा आएगा। सो यार अभी मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, पता नहीं इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, सो यार लेट्स बिगिन। चेक दिस आउट मैन, यार कितनी ज़्यादा सही लग रही है, मतलब मैंने जितना हो सका उतना मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। एंड इससे ज़्यादा बिल्डिंग भी मैं नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लग जाएगा, इसलिए यार देखो यार ये बिल्डिंग का काम मैंने कर लिया। एंड ऊपर से मेरे को ओवर फ्लैट करना पड़ा था क्योंकि ये बीच में आ रहा था, सो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने माइंड कर करके करा है, TNT से फोड़ता तो बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। बाकी तुम लोगों को कमेंट बताओ अभी तक कैसा लग रहा है, अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो। बाकी अभी जो डिटेल की बारी आती है, मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल करनी है, लाइक मेरे को रोड्स वगैरह बनानी है, ट्रीज वगैरह बनाने हैं, लाइट वगैरह लगानी है, उसका काम अभी बाकी है, सो उस पर हम लोग काम करते हैं जल्दी से। After 3 weeks of work, हमारी सिटी बिल्कुल बन चुकी है। कोई मेरे से इतना हो सकता था उतना बेस्ट बनाने की मैंने कोशिश करी है। बाकी तुम लोग यार कमेंट बताना ये सीट तुम लोग कैसी लग रही है, एंड तुम लोगों को सिनेमैटिक दिखा दिए होंगे मैंने अच्छे से, तुम लोग कमेंट बताना कैसी लग रही है। एंड लिटरली इसको बनाने में कुछ 3 हफ्ते ये मैथ लगी है, सो अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो यार मैं तुम लोगों को ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना जिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।